अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसकर मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक से नेक औलाद दें, जो बीमार हैं अल्लाह पाक से शिफा दें, जो रिज़्क रोज़ी की तंगी में है अल्लाह पाक से हक हिला रिज़्क कमाने की तौफीक दें और उसके रिज़्क में बरकत डाले, आमीन। तो इस नेक दुआ के साथ जो है हमारा सुबह का व्लॉग होता है शुरू, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ख़ास कर उन लोगों के लिए मेरी दुआएं हैं जो माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते, अल्लाह पाक उन्हें चलने फिरने की तौफीक दे, और जो बीमारी की हालत में बहुत ज़्यादा तंग है अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करे, और जो है रियत क्या कहते हैं, हाँ अल्लाह पाक जो है उन्हें तमाम परेशानियों मुश्किल से महफूज रखे, और जो है जो दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं अल्लाह पाक उनकी मौफ़रत फरमाए और उनको उनके जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी आज जो है मेरी कुछ ठीक नहीं है, खांसी भी है और बुखार भी है, और जो है अल्लाह पाक करम करे। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कर ली हैं और मैं भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ, अल्लाह पाक जो आपको खुश रखे, महफूज रखे, तमाम परेशानियों बीमारियों से दूर रखे। तो छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट होती है देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो देर नहीं करते चलते अपनी वीडियो की तरफ। मेरे चैनल का नाम है समीना विलेज फूड, वो ज़रूर सर्च करना है और वीडियो जो है वो देखनी है, और अपनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। मैं आपको मौसम दिखा दूं, ये बादल जो है वो आ रहे हैं, तो हवा जो है वो अभी ठंडी नहीं चल रही है बहुत ज़्यादा, ये काले काले बादल आ चुके हैं, बादल मैं सॉरी भूल जाती हूँ बादल कह देती हूँ, इस तरफ से ना यहाँ से इधर तक थोड़े थोड़े हैं, इस तरफ से बहुत ज़्यादा है, मौसम ख़राब हो रहा है और हवा जो है बहुत तेज़ चल रही है, और ये देखिए सूरज हल्का सा आ चुका है, इस साइड पे जो है ये मौसम साफ है और इधर जो है सब लोग सो रहे हैं यहाँ पर। ये जो है सब मेरा सामान बिखरा पड़ा है बाहर, उनका जो है अभी मेरा चल रहा है, इसको भी बंद कर देते हैं क्योंकि हवा जो है बहुत तेज चल रही है। तो अभी जो चलते हैं अपने कमरे की तरफ, उधर से जो है ना बर्तन उठाने हैं, और उधर चल के बर्तन उठाते हैं, बर्तन उठाने के बाद उनको धुलाई करना है, धुलाई करके तो फिर ये क्या आपने उल्टा कमीज पहन लिया, साइड देखो साइड, अभी अभी ज़ैनब नींद से उठ के आई है, मैंने इसको जगाया है कि जल्दी से ना आप चले मस्जिद पढ़ने, मस्जिद पढ़ के फिर आ जाना है, आज कल तो इनके पेपर नहीं हुए, मजदूर डे था इसलिए छुट्टी थी, तो आज जो है पता नहीं इनके पेपर हैं नहीं हैं, आज जाना है ना स्कूल, चलो कमीज सीधा करो जल्दी से, हाथ मुँह धो के मस्जिद जाओ। और वह देखे मेहरान जो है वह भी उठ गया है, वो खड़ा है, वो भी हाथ मुँह धो के मस्जिद जा रहा है। मैं आपके लिए नाश्ता रेडी करती हूँ, जल्दी जाओ जल्दी। तो इनके लिए नाश्ता बनाना है, जल्दी से मैं नाश्ता बना लूँ तो फिर जो है ये मस्जिद पढ़ के आ जाएंगे, और देखेंगे कि चलो स्कूल जाएंगे, हाँ पता चल जाएगा। टीचर है जो, टीचरों का जो है एक गलती होती है कि
उनका हक बनता है कि अपना फोन नंबर दें, इंसान जो कोई मुश्किल हो, कोई काम हो, कोई फोन करके इंसान पता लगा लेता है, लेकिन ये नहीं करती हैं। इनको पता नहीं कौन सा डर खा रहा है। मैं भी तो एक औरत हूँ ना, मर्द थोड़ी हूँ कि इनको ना मैं तंग करूँगा। ये अपना फोन नंबर भी नहीं देती। फोन नंबर हो तो चलो इंसान जो है ना फोन लगा के पता कर ले कि आज बच्चों का स्कूल है, आज छुट्टी है, पेपर है, क्या परेशानी है, कुछ पता भी नहीं है। चलो अल्लाह पाक उनका हिदायत है, तो बच्चे आज जाएंगे, देखेंगे स्कूल जाएंगे तो फिर पता चलेगा। इधर से नंबर से उठा लो। खांसी भी मुझे हो चुकी है और गला जो है ये मेरा बहुत दुखता है। बुखार की वजह से ना ये कलियां मेरी बहुत दुखती हैं। खांसी आती है ना, बहुत तकलीफ होती है। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक जो है मुझे तमाम बीमारियों से दूर रखे। लेकिन एक बीमारी जाती है और दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है, ये भी अल्लाह पाक की एक आजमाइश होती है। और अल्लाह पाक को मैं याद हूँ, अल्लाह पाक अपना कहते हैं जिसको कोई दुख तकलीफ ना हो, जिसको कोई बीमारी ना हो, तो अल्लाह पाक जो है उनसे नाराज होता है। तो ये अल्लाह पाक के राज हैं, अल्लाह पाक के हर वक्त शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक जो है हमें महफूज रखे तमाम परेशानियों से। बाकी होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है, इंसान के बस की बात नहीं है। इधर से मैं आपसे गप्पे भी लगा रही हूँ और साथ 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 जो है ये बर्तन भी उठा रही हूँ धोने के लिए। चलो मैं बर्तन धो के वापस आती हूँ, फिर जो है आपसे लगाती हूँ गप्पे। आपने रहना मेरे साथ, जाना कहीं नहीं है। बर्तन धोने के लिए मैं गई थी नलके पर और मेरा ढोला जो है वो उठ कर आ चुका है। आपको भी खांसी हो गई है ऐसा होना, आपको खांसी हो गई है, खांग थी गई है। अल्लाह पाक खैर करे। और जो है पानी का जग वो मैं लेकर आ चुकी हूँ, अभी बर्तन जो है वो हमारे बहर भूले पड़े हैं। तो एहसान साहब जो है वे ये कहता है आप ना मुझको उठाओ उठाओ। अभी झाड़ू जो है वो भी लगाना है। और देखे हमारे बर्तन वो पड़े हैं नलके की तरफ, कौन उठाएगा बर्तन उठाने हैं, नहीं उठाने, कौन उठाएगा? आप ही कहाँ है? आप ही सवेरा आप ही किधर है? जाएगी बर्तन हमें अंदर रख देगी, हम बनाएंगे चाय, ठीक है। और इधर से जो है हम उठाते हैं झाड़ू, ये कपड़े जो हैं ये कल मैंने धोए थे और हवा की वजह से ये गिर गए हैं, इनको भी उठाते हैं। वर्दी है ये ज़ैनब की, मट्टी मट्टी हो गई, सब मट्टी हो गई। यहाँ पर इसको रखते हैं, ये रहा है हमारा झाड़ू। आ जाए बाहर जो है, अभी ये बाहर भी झाड़ू लगाना है इस सहन पर। तो अभी जो है सबसे पहले बना लेते हैं नाश्ता। नाश्ता बना के बच्चे चले जाएंगे स्कूल, तो फिर लगाएंगे हम झाड़ू।
अभी कमरे की अंदर की सफाई कर। शान जो है यहाँ पर बैठ चुका है और मेरे हाथ में है झाड़ू और इधर से जो है ना चूल्हे की सफाई करते हैं और मुकम्मल ये कमरे की करते हैं सफाई। ये देखें कचरा पड़ा है, इनकी सफाई कर लेंगे तो फिर जो है चाय भी बनाएंगे। और जो है मौसम जो बाहर बाहर का मौसम जो है वो भी खूबसूरत हो रहा है, ख़राब तो नहीं कहती क्योंकि अल्लाह पाक के ये काम होते हैं जैसा करे। तो वो चार पाइयाँ जो है वो अंदर डाल लेंगे और जो हैं रज़ाइयाँ उनको भी कमरे के अंदर रख देंगे। हो सकता है कि बारिश आ जाए तो ये ख़राब ना हो जाए। बेटा आप ना बर्तन मेरे उधर रख दें, किधर ओ उस साइड पे वहाँ पर रख दें, इधर मैं झाड़ू लगा लूँ तो फिर उठा लूँगी। ठीक है ठीक है डोला। हाँ जी, तो अभी जो है कमरे की सफाई मेरी हो चुकी है। ये रहा है मेरा कमरा और अंदर की ये देखें सफाई जो है हो चुकी है चारों तरफ। अभी जो है पानी इसमें लगाना है तो चाय पहले चढ़ा दूं, चाय जो है चूल्हे के ऊपर चढ़ा दूंगी तो फिर जो है मोटर वाला पाइप ले आऊंगी और जो पानी मारूंगी। आपको बताऊं कल जो है ना कपड़े धोने के बाद मुझे ना करंट लग गया था थोड़ा सा, अभी जो है मुझे बहुत तकलीफ आ रही है। जिससे मैं ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रही है और सांसें भी मेरी फूल जाती हैं और ज़्यादा काम करें ना तो जिससे मेरा कांपता है, दिल मेरा जो है ना बैठने लग जाता है, अजीब सी घबराहट होती है। अल्लाह अल्लाह पाक करम करे। कुछ पता नहीं होता कब क्या होगा, ना जिंदगी का पता है ना कोई तकलीफ परेशानी का पता है, बस अचानक से आ जाती है। पानी वाला जग भी ले आई, उस बाल्टी में दूध है और ये जो है मेरे बर्तन हैं और ये जो है मेरा ढोलू है। अभी चाय बनाती हूँ। मेहरान और जैनब जो है सिपारा पढ़ने गए हैं, वापस आएंगे तो फिर वो नाश्ता करके जाएंगे स्कूल। चाय जो है मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है क्या करते हैं, हाँ जी ये देखे बच्चे भी आ चुके हैं। हाँ मस्जिद पढ़ के आ गए हैं, गए थे कि नहीं गए थे? गए थे, अभी तो गए थे, छुट्टी भी होगी। वो ये बाजी ने मंगा के वो भी करवाने थे, नाश्ता भी बनाना था। हाँ और हमारा स्कूल भी सारे साथ लगता है। अच्छा जी, जल्दी से सबक सुना के आ गए, मंजिल नहीं पड़ी ऐसे। चलो कोई बात नहीं है। जैनब आप ना अपने टिफ़न उठाओ, महरान भी और आप भी अपने टिफ़न ले आओ और बोतलें। किसने सारे खिला दिए? जैनब वालों ने? जैनब वालों ने नहीं, जैनब ने। जैनब ऐसा मत किया करो। चलो अपने टिफ़न भी उठा लो और पानी की बोतलें जो हैं वो भी भरो और जो यानी कि जो सामान आपका ज़रूरत का है वो इकट्ठा कर लो, टाइम बहुत कम है। तो मैं अभी ये चाय रेडी कर दूँ, आपने चाय पीनी है और आपके लिए ना खाना बनाया है। ठीक है, अभी जो है रोटी बनना हो गया स्टार्ट। तो ये देखें कुछ बना भी लिया है, ये भी रखी है, अभी बना रही हूँ। तवा भी चूल्हे को ऊपर चढ़ा दिया है और इधर जो बच्चे हो गए हैं रेडी। हाँ बेटा आपका हो गया है, तैयारी मुकम्मल हो गई है। चलो आपने टिफिन नहीं उठाया मेहरान ने? ठीक है, आपकी पानी वाली बोतल कहाँ है? ये वाली लेकर जानी है, ये वाली नहीं लेकर जानी, ये
चलो ठीक है, आपका टाइम भी हो गया स्कूल जाने का। आज देखते हैं आज आपका पेपर होता है कि नहीं होता। कल तो नहीं हुआ, कल वो थी ना महीने की, वो क्या हुआ? नहीं, कल मजदूर डे थी, मजदूरों का दिन था छुट्टी का। पूरे पाकिस्तान में जो है हर जगह ये छुट्टी का दिन मनाया जाता है मजदूरों के लिए। चलो आप चलें, और वो ना अपनी खाला के यहाँ भी जाना है, उनके बच्चे रेडी हुए हैं कि नहीं हुए। टाइम बहुत कम है, आपको पैसे मिल गए? चलो अल्लाह हाफिज। एहसान क्या कर रहे हो? बाय। एहसान के काम चेक करें। एहसान ओए इधर आओ, मुझे नात सुना दो। एहसान खान आओ मुझे नात सुनाओ। आपने नात सुनानी है? एहसान नात सुनानी है? नहीं सुनानी, गुस्से हो गए हो? ओ ओ टूट जाएगी शरारती बच्चा। चलो सवेरा, ये ना दो रोटियां बन गई हैं गर्मा गर्म, अपने दादे अबू को खाना लेकर देकर आए, वो इंतजार में बैठा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो कल से आ चुके हैं वापस। पहले अम्मी जान को देते थे, अबू चले गए थे अलीपुर में, तो आज जो है अम्मी और अबू दोनों इकट्ठे हैं, तो उनको खाना देना है। गर्मा गर्म खाना देकर आओ, ठीक है? मैं और ये बना लूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है जी? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो भी ये फिर ठीक है, अल्लाह का करम। साबित हो रही है? डेढ़ किलो दे दें। हाँ जी, ले जी साबित थोड़ी। ये देखें अभी ले रहे जी, सावितुरी लेंगे, सावितुरी लेके और ये धनिया भी थोड़ा सा पैदा है। खरबूजे हैं? बतेरा ये एक दाना जो है साफ सुथरा पतला लो अभी। अभी जो तेरा भी ले लिया और अभी थोड़े भी ले लिए, अभी जा रहे हैं घर की तरफ। तो घर पे जाते हैं तो फिर जी आपके पास शेयर करते हैं। ये देखिए अभी जो पहुँच चुके हैं, फिर आपके पास शेयर करते हैं। भाई चाचू आ रहा है जी। हाँ जी हाँ जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फेट फाट। कह रहे कोई काम है क्या? क्यों हाँ दसना तो है। अभी मुझे नहीं पता है, भाई तुम बताए। और वो रास्ते में खड़ा था ना, तो पूछ रहा था कि हाँ कोई काम है? मैंने कहा कोई काम है नहीं, काम है तो क्या रास्ते में आते पूछ रहे हो? सुबह हो गया है, मौसम की ना तकरीबन कोई 10-15 मिनट की मौका चाहिए। ऐसे कि जाना है थोड़ा चौक पे काम है, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। आगे आपको पता है लाइन वाला मसला है, अभी इधर से जाए फिर लंबा सफर पड़ता है, इतना टाइम नहीं है, फिर घर का काम वगैरह करना है। तो बस इधर से जाएंगे, थोड़ा सा काम है, फिर वहाँ से 15 मिनट का काम, तकरीबन 15 मिनट लगेगा। चलो ठीक है, जाओ अपने चाचू के साथ। हाँ जी हाँ जी, मेरे पास नहीं मिलता था, जब पेमेंट भी नहीं है हम क्या लेंगे? अच्छा 10 रुपए
चलो दादा भी ले आएंगे। ओके।